गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। पूरा अकाउंटिंग है जो इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, तो हमें इसीलिए इनका मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू साइड्स एंड ऑल द अकाउंट्स हैव टी शेप। आपने इंग्लिश का लेटर टी देखा है, ऐसे होता है। टी में राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम होता है। इसी तरह से अब मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम बनाते हैं कैश अकाउंट, उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग इस तरह से बना लेना है टी, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है, टी शेप होता है। आप स्केल और पेंसिल का यूज भी कर सकते। इस तरह आपने टी प्रिपेयर करना है और दोनों साइड सेम एंट्रीज बनानी है, मतलब सेम पॉइंट होने चाहिए। एक अकाउंट की दोनों तरफ कौन कौन से और कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, उसके बाद होता है पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। डेबिट की एब्रिविएशन क्या होती है? डेबिट की एब्रिविएशन होती है DR, और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CR। डेबिट DR डॉट, क्रेडिट CR डॉट। और कैश अकाउंट, ये A/C, ये क्या है आपके पास, अकाउंट की एब्रिविएशन है। ये हमारा होता है अकाउंट, क्लियर। अब आपने जैसे ये हमारा टी प्रिपेयर हुआ था, इसमें इस साइड ये बनाया और इधर भी सेम ही बनाओगे आप, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और हमेशा जो राइट साइड है वहां आप कॉर्नर में लिखते हो क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट से रिलेटेड सारी एंट्रीज आएंगी, और इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड क्रेडिट और लेफ्ट साइड पे डेबिट से रिलेटेड सभी एंट्रीज आपकी आएंगी। अब हम कौन सी आइटम डेबिट में लिखेंगे या कौन सी क्रेडिट में लिखेंगे, वो हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में।